सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि किस तरीके से हम डिशवॉशर को इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक ग्रुप पर। मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक ये रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये है IFB का डिशवॉशर विद स्टेनलेस बॉडी। जैसा कि आप इंडिकेशन देख सकते हैं कि जो ऊपर का IFB का टॉप है वो एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल इसलिए है कि इन केस अगर हमारी मॉड्यूलर किचन में हमारा डिशवॉशर जो है वो नहीं आ पा रहा, तो हम व्हील्स को एडजस्ट करके, व्हील्स को छोटा करके एंड ऊपर के टॉप को हटा के आराम से डिशवॉशर को मॉड्यूलर किचन में प्लेस कर सकते हैं। ये ऑप्शन और किसी डिशवॉशर में अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल सिर्फ IFB डिशवॉशर में है। अगर हम इसका टॉप हटा देते हैं, जो कि एडवाइजेबल नहीं है और किसी डिशवॉशर में, बट IFB का जो ऊपर का टॉप है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी खोलने का प्रोसेस बता रहे हैं कि किस तरीके से हम IFB के डिशवॉशर को एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल तरीका है, दो हमें इसके नट्स हैं उनको खोलना है एंड हमारा जो एंड जो ऊपर का इसका डिशवॉशर का जो टॉप है वो ओपन हो जाएगा, जिस तरीके से इमेज में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट, इसको आसान तरीका है हटाने का भी एंड आसान तरीका है इसको वापस लगाने का भी। सिंपली हमें पेचों को बिल्कुल कसना है। अब जो आप ऊपर की जो लेयर देख रहे हैं वो है ग्रेनाइट लेयर, ये पूरे डिशवॉशर को प्रोटेक्ट करती है। अब आइए देखते हैं फर्दर कि किस तरीके से डिशवॉशर को इंस्टॉल किया जाता है। जैसा कि आप डिशवॉशर की बैक साइड देख रहे हैं, यहाँ पर दो पाइप दे रखी है। पहली पाइप है, जिस तरीके से इंडिकेट किया जा रहा है, ये पाइप है ड्रेनेज पाइप। ड्रेनेज पाइप को हमेशा यू शेप पैटर्न में लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं जिससे कि जो पानी जो है वो प्रॉपरली डिशवॉशर का सिंक आउट हो जाए। अगर हम इसको यू शेप में नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं पानी की जो होगी वो क्लॉगिंग हो जाएगी। सेकेंड जो पाइप है जो आप देख सकते हैं वो है अडैप्टर। अडैप्टर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिशवॉशर में। जो आप अडैप्टर देख सकते हैं वो हमारा जो मेन वाटर सप्लाई है वहाँ पर अटैच किया जाता है। अब ये अडैप्टर का यूज़ क्या है? ये अडैप्टर का यूज़ ये है कि वाटर को सॉफन करने के लिए काम आता है। जो पानी जितना हार्ड होगा उससे क्या होगा, हमारा डिशवॉशर जो है वो ख़राब हो जाएगा। सो ये अडैप्टर जो है पानी को सॉफन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो ये जो अडैप्टर है वो पानी के इनलेट में अटैच कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर पानी का इनलेट दे रखा है और वहाँ पर इस अडैप्टर को अटैच कर दिया गया है। एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लग है, बहुत ही सिंपल है। प्लग को जहाँ पर आपने अपना ऑप्शन दे रखा है प्लग इन करने का, पावर पॉइंट का, वहाँ पर यहाँ पर प्लग इन कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा अडैप्टर भी फिक्स हो गया एंड प्लग इन भी फिक्स हो गया। पानी का जो इनलेट है उसको भी ऑन कर दिया गया है। अब जो फिक्सिंग हो रही है वो ड्रेनेज पाइप की हो रही है। ड्रेनेज पाइप को जहाँ पर आपका जो गंदा या वेस्ट पानी होगा उस ड्रेनेज पैटर्न पर एडजस्ट कर दिया गया है। सो अब नाउ आप अपने डिशवॉशर को कम्प्लीटली अपने जहाँ पर भी आपको लगाना है आपकी मॉड्यूलर किचन के अंदर, आप वहाँ पर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। सो जिस तरीके से आपने देखा, बहुत ही सिंपल एंड ईजी तरीके से मॉड्यूलर किचन के अंदर IFB का डिशवॉशर फिट हो गया। सो ये था बहुत ही इजी प्रोसेस के किस तरीके से हम अपने डिशवॉशर को आराम से अपनी किचन में इंस्टॉल कर सकते हैं।